भिखारी कार में बैठी सेठनी से, मैडम 10 रुपये दे दो। मैडम ने पैसे दे दिए, भिखारी जाने लगा। तभी मैडम बोली, बाबा आशीर्वाद तो देते जाओ। भिखारी, BMW में तो बैठी है मोटी, अब क्या रॉकेट में बैठेगी। बस में कंडक्टर, मैडम इन बच्चों का उम्र कितनी है। महिला, छोटा 2 साल का, बीच का 2.5 साल का और बड़ा 3 साल का। बस कंडक्टर, मैडम टिकट नहीं लेना हो तो उम्र भले ही कम बताओ, पर गैप तो कम से कम 9 महीने का रखो। मैडम, बीच का बच्चा मेरे देवरानी का है, कल मुँह है। पप्पू, चाचा मेरी बीवी को ना पानी से बहुत डर लगता है। चाचा, अबे तुझे कैसे पता। पप्पू, चाचा वो कल मैं जब ऑफिस से आया तो नहाने वाली टब में सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठी थी। भिखारी, जनाब मैं कोई मामूली भिखारी नहीं हूँ, मैंने रुपए कमाने के 100 तरीक नामक किताब लिखी है। राहगीर, तो फिर भीख क्यों मांगते हो। भिखारी, क्योंकि यह उस किताब में बताया गया सबसे आसान तरीका है। भिखारी ने घर में आवाज़ लगाई, बाबूजी रोटी मिलेगी। अंदर से आवाज़ आई, बीवी घर पे नहीं है। भिखारी, चूमा नहीं मांगा साले, रोटी तो तू भी दे सकता है। औरतों को खुश करने में 100 सुहापे होते हैं, आदमियों का क्या, औरत देखते ही खुश हो जाते हैं। सुना है सरकार गरीबों के लिए 6 करोड़ शौचालय बनवा रही है। अरे भाई पहले गरीब को खिलाओ तो सही, खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया। मेले में घोषणा हुई, एक बच्चा मिला है, जिन का है आकर ले जाएं। आलिया भट्ट भीड़ से, मुझे भी दिखाओ मुझे भी दिखाओ, जिन का बच्चा कैसा होता है। संता, आज मुझे फिर आलिया भट्ट को किस करने को दिल कर रहा है। बनता, क्या तू आलिया भट्ट को पहले किस कर चुके हो। संता, नहीं एक बार पहले भी दिल किया था। टीचर, दुनिया में सबसे धैर्यशील व्यक्ति कौन है। पप्पू, सनी लियोनी का कैमरामैन।